हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, जो है आज हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉप पे जो है कितना वायर जो हमें स्टॉक करना चाहिए। ये एक हमारे व्यूअर हैं, सन्नी सोनी जिनका नाम है, उनका जो है कमेंट आया कल। वायर का स्टॉक कितना रखें शॉप पे, आप कॉल पे छोटा सा कंसल्टेशन दे सकते हो, धन्यवाद। वो छोटा था उनका कमेंट था और उनका कहना था कि मतलब कॉल पे जो है इस चीज़ के बारे में बता दो। तो यार, कॉल पे अगर बता देता तो सिर्फ उन्हीं को जो है इसके बारे में जानकारी होती, और वीडियो बना के अगर बता दे रहा हूँ तो उनके साथ साथ जो है और तमाम ऐसे लोगों को जो है पता चल जाएगा जिनको कहीं ना कहीं जो है सामान को लेकर कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा सामान जो है कितना जो है हमें स्टॉक करना चाहिए। तो हर सामान के बारे में नहीं बताएंगे, आज जो है सिर्फ तार के बारे में बताएंगे कि जो है तार हमें कितना जो है कब क्यों कैसे जो है स्टॉक करना चाहिए, और मैं कितना करता हूँ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस से रिलेटेड इसी तरह से जो है वीडियो हमेशा इस चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा। और लाइक का बटन उस वक्त दबाएं जब आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप अभी दबाना चाहते हैं तो दबा दें, कोई मैटर नहीं, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है। वैसे जहां तक मैं जानता हूं कि वीडियो आपको पसंद ही आएगी। दोस्तों, वायर जो है जो होता है ना इलेक्ट्रिक लाइन का जो है मतलब वायरिंग आइटम में सबसे महंगा सामान होता है, और महंगा के साथ साथ जो है इस पर जो प्रॉफिट भी होता है वो भी सबसे कम मार्जिन होती है, मतलब सबसे कम प्रॉफिट होता है। अब कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन भी जो है वायर पे होता है। कंपटीशन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वायर पे होता है, वायर के बाद से जो है स्विच और सॉकेट पे होता है, ठीक है। मतलब सॉकेट तो छोड़ दीजिए, सॉकेट बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन स्विच का और वायर का रेट जो है सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, जिस कारण से जो है इन पे कंपटीशन भी होता है और इनका जो है इनके ऊपर मार्जिन भी जो है बहुत ही कम होती है। यही कारण है कि इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं दुकानदारों के बीच जो है काफ़ी कंफ्यूजन बना रहता है कि यार जो है वायर हम कितना जो है स्टॉक करें कि हमारे लिए सही रहेगा। तो जब ये कमेंट आया तो कमेंट देखने के बाद जो है मैं सोचा अब इस पर वीडियो बना के बता ही देते हैं, सन्नी सोनी जी का भी जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और जो हमारे तमाम व्यूअर हैं जो मुझे फॉलो करते हुए जो है अपने इलेक्ट्रिकल शॉप को जो है चला रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी जो है इसके बारे में जानकारी हो जाए। दोस्तों, वायर देखिए जो है आपको अपने बजट के हिसाब से सबसे पहले जो है स्टॉक करना चाहिए। आपका बजट कितना है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर वायरिंग लाइन का अगर देखा जाए, अगर कोई सामान सबसे ज़्यादा महंगा होता है तो वायर होता है। तो महंगा के साथ साथ जो है मार्जिन भी कम होती है। तो मान लीजिए हमारे पास जो है बजट ज़्यादा नहीं है और मैं जो है वायर सबसे मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया, तो बाकी रेंज हमारे कम हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वायर जो है एकदम डेली का डेली बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहेगी, कि मतलब अगर जो है इसे कम स्टॉक करेंगे तो ग्राहक घूम जाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की जो है हमें डिमांड ज़्यादा है, मतलब आपकी दुकान पर डिमांड ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो आप जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से स्टॉक कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं लगता है तो आप अपना बजट देखिए, बजट के हिसाब से दो दो बंडल कर लीजिए, तीन तीन बंडल कर लीजिए, और वो भी कितने साइज तक, 0.75 से जो है 2.5 तक। हाँ, थोड़ा सा अगर बजट आपका और ज़्यादा है तो 4 mm भी जो है आप रख सकते हैं। और ये बजट की अगर बात किया जाए तो मान के चलिए कि अगर 2 से 2.5 लाख के अगर बीच आप जो है दुकान खोल रहे हैं या खोले हैं, तो ऐसे में जो है आपको ज़्यादा वायर स्टॉक करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दो दो बंडल, तीन तीन बंडल अगर कर लेंगे तो आपका जो है काम चलता रहेगा। और अगर जो है ज़्यादा वायर की जो है रिक्वायरमेंट आती है, मांग होती है कि मुझे मतलब इतना चाहिए,
तो उनसे थोड़ा समय आप लीजिए, समय लेके आप मतलब मंगा दीजिए, एक से दो दिन का समय लीजिए, और आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से जहाँ से भी जो है आप माल लेते हैं वहाँ से जो है मंगा के उनको अवेलेबल करा दीजिए। इसके बाद अगर बहुत इमरजेंसी आ गई तो आपके मार्केट में या आपके अगल बगल के मार्केट में और भी दुकानें होंगी, वहाँ से आप रेट लीजिए, आपको होलसेल रेट पता ही है, वहाँ से रेट लीजिए। आप जब दुकानदार बताएंगे तो वैसे ही जो है कंपटीशन के टाइम में बहुत ज़्यादा मार्जिन वायर पे आदमी रखता नहीं है, आपको जो एक सही रेट होगा उस रेट पे वो दे देगा, जिसे जो है आप लेके उसमें प्रॉफिट मत कमाइए, आप डायरेक्ट जो है दे दीजिए जो है ग्राहक को। मान लीजिए वायर आपने लिया और डायरेक्ट ग्राहक को दे दिया, उसमें आपका कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके साथ साथ जो और सामान जाएगा उसमें जो है आपको प्रॉफिट तो हो जाएगा। अब वायर के चक्कर में आपका जो है ग्राहक घूम जाए, ये कहीं से जो है सही नहीं है। तो वायर का जो है आपको समझ में आ गया कि 2 से 2.5 लाख के बजट में अगर है तो 2-2, 3-3 बंडल कर लीजिए, उससे ज़्यादा अगर बजट आपका है 5 लाख तक है तो 4-4, 5-5 कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इफरात पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है स्टॉक कर लीजिए 10-10 पैकेट करके जो है, या 15-15 पैकेट करके जो है आप, या 20-20 पैकेट, या आप समझ लीजिए पेटी। तो आज तक मैं लाया ही नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है कि कितने पीस का जो है पेटी आता है। बजट में आपके हैं तो पेटी पेटी आप स्टॉक कर लीजिए और स्टॉक करके आप सेल करिए। हाँ, उस समय जो है वायर स्टॉक करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए जिस समय जो है ऐसा लगता हो कि वायर का रेट हो सकता है गिर जाए। उस समय अगर जो है आप ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे माल, तो कहीं ना कहीं उस पर जो है आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाँ, जिस समय रेट बढ़ रहा हो, उस समय अगर देख रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है, आगे बढ़ सकता है, उस समय जो है आप स्टॉक कर लेंगे, तो जब रेट बढ़ेगा तो उस समय कमाई आपकी हो जाएगी। अगर मैं अपने जो है वायर स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों जो है आप जस्ट मेरे जो है पीछे देख सकते हैं, एकदम ये जो मेरा हाथ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी उंगली है, ये वाला जो है आरके लाइट का 2.5 mm का जो है एक बंडल वायर है, वो भी खुला हुआ, और उसी का जो है जस्ट बगल में इधर देखेंगे आप तो एक लाइन से रेड पट्टी वाला जो दिख रहा ना वायर, रेड पट्टी और थोड़ा येलो में, वो RR का जो है सुपर FR वायर है। वो तीनों जो बंडल 0.75 का है, और जस्ट उसके बगल में, जस्ट इसके बगल में जो है ये वाला जो है उसमें दो बंडल जो है 1.5 का है और एक बंडल 1 mm का है। तो ऐसा नहीं कि यही जो है मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास था जो है लगभग हर साइज का जो है, मतलब 2.5 तक, 0.75, 1 mm और 1.5, 2.5 mm तक, दो दो पैकेट जो है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, दो दो पैकेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं है मार्केट में इस समय, लाया था जिसमें से थोड़ा बहुत जो है वायर निकला है और बाकी जो बचा हुआ है, और एक वायर और मैं यूज करता हूँ जो मतलब थोड़ा सस्ते में होता है, लाल जी वायर के नाम से, जिस पर मैं वीडियो भी पहले बना चुका हूँ, वो वायर भी जो है इसी तरह से 2-2, 3-3 बंडल रखता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे वायरों की जो है ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब वायरिंग कोई मिलता है, बड़ा साइट मिलता है, तो ऐसा नहीं कि जो ही वो काम मिलेगा वैसे ही जो है वहाँ पे काम स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक आध दिन का ज़रूर टाइम मिल जाता है, और एक आध दिन के अंदर जो है आप आसानी से जो है माल मंगा सकते हैं। हाँ, अगर आप मार्केट कहीं दूर से करते हैं, 1-2 दिन के अंदर आपका माल नहीं आ सकता है, या आपकी ऐसी सेटिंग नहीं है कि आप फ़ोन कर दें वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट में पड़ जाए माल, या फिर जो है किसी भी टैक्सी या बस या जीप से अगर माल नहीं आने लायक है, तब आप जो है वहाँ पे अपना बजट बड़ा करें और वहाँ पे थोड़ा सा तार अपने पास स्टॉक करें। लेकिन अगर आपको सुविधा है कि आपको आसानी से जो है तार अवेलेबल हो जाएगा, अगर आपको 12-24 घंटे का अगर समय मिला तो आप जो है तार अवेलेबल करा लेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं। और आइटम आप लेके आइए, मान लीजिए और सारे आइटम रहेंगे तो वो सारे आइटम बिकते रहेंगे तो उस पर कुछ प्रॉफिट होगा, अगर कम भी प्रॉफिट हो रहा है तो जो सामान ज़्यादा बिकने वाला है वो आपके पास स्टॉक में रहेगा, वो जल्दी नहीं ख़त्म होगा, तो उसे जब ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वायर जल्दी निकलता नहीं है, और निकलता भी है तो इतनी कंपटीशन होती है कि बहुत जो है मामूली सी जो है मार्जिन होती है। यार छोटी चीज़ भी चीज़ समझाने के लिए जो है पूरा जो है मुझे
मतलब बहुत अंदर तक जो है बताना पड़ता है, इस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि यार शॉर्ट वीडियो बनाया करो। क्या करूँ यार, बताने लगता हूँ तो बताते जाता हूँ, खुद नहीं समझ में आता कि कितनी लंबी वीडियो होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन अब जरूर दबा दीजिएगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से हमेशा बिजनेस से रिलेटेड वीडियो जो है, नई नई वीडियो देखने के लिए जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे जो है जैसे ही कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सारी कुछ मैं बता दिया कि कितना आपको रखना चाहिए, किस कंडीशन में, क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, और मैं कितना रखता हूँ वो भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं ये जो है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे जो है इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।